गुलमर्ग में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। इस 5 पार्ट की सीरीज में मैं आपको अपनी गुलमर्ग ट्रिप के बारे में बताऊंगा। गुलमर्ग एक स्की और स्नोबोर्डिंग डेस्टिनेशन है और हम भी यहां स्नोबोर्डिंग करने ही आए थे। स्नोबोर्डिंग पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसे आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने स्नोबोर्डिंग की फीलिंग और गुलमर्ग की वाइब्स को बताया है। गुलमर्ग में ऑपरेट होने वाले गोंडोला पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने गोंडोला के सभी डिटेल्स बताए हुए हैं। ये सीरीज होने वाली है हमारे हर एक एक दिन की और इससे आपको जानने को मिलेगा गुलमर्ग में क्या, कहाँ, कैसे और कितने में करना है। ये उस सिनेमैटिक वीडियो का एक तरह से बिहाइंड द सीन्स है जो आपको गुलमर्ग की अनफिल्टर्ड फीलिंग देगा और आपको अपनी गुलमर्ग ट्रिप प्लान करने में भी मदद करेगा। सो लेट्स बिगिन द पार्ट 1। ये हमारी सेकेंड ट्रिप थी गुलमर्ग की। 5 साल पहले भी हम एक बार गुलमर्ग आए हुए थे। एक फ्लाइट कैंसिल होने के बाद फाइनली हम एक ऑसम व्यूज वाली फ्लाइट पकड़कर श्रीनगर पहुंचे। वहां से कैब लेकर हम गुलमर्ग आ गए। राइट नाउ इट्स डे 1 इन गुलमर्ग एंड यू कैन सी द स्नो, सो मच स्नो एंड वेदर टुडे इज सो गुड, सन इज अप। And we are going to explore the Gulmarg a little bit, find some place to snowboard, to learn snowboarding, and to find some instructor also. Look at the snow. बहुत ही अच्छा snow wise तो बहुत ही अच्छा है। अभी ये देखना है कि आने वाले दिनों में weather कितना साथ देता है। आज तो हम स्नोबोर्डिंग नहीं करने वाले बिकॉज इट्स ऑलरेडी 3 PM, बट आज हम एक्सप्लोर कर लेंगे, थोड़ा शूट वगैरह कर लेंगे। लुक अराउंड अस, it's all snow, that's why it's called winter wonderland। snow ko jahan jagah mili wahan jam jati hai snow, matlab ek patla sa wire hoga wahan bhi uske upar snow jam jati hai। to ye hai gulmarg, yahan baj rahe hain abhi 5:30 और 5:30 बजे आप देख सकते हो सब कुछ खाली हो जाता है। जो भी स्नोबोर्डिंग एक्टिविटीज़, स्कीइंग एक्टिविटीज़ हैं सब बंद हो जाती है। ऑलमोस्ट होटल्स के अंदर पहुंच गए, घुस भी जाते हैं। उसका रीज़न भी है मेरे ख्याल से भी ना डेफिनेटली माइनस में होगा शायद, माइनस में मतलब बहुत ठंड फील हो रही है, बट बस मतलब स्नो ही नहीं गिर रही है, बाकी तो ठंड बहुत है। एक सेकंड यहाँ देखते हैं, -3। लास्ट वीक का स्नोफॉल की वजह से सब कुछ कवर्ड है। आई थिंक हम ही सिर्फ होंगे टूरिस्ट यहाँ पे जो घूम रहे होंगे। इस पे निकॉन में बोलते नहीं बन रहा। इट्स माय 3 गाइस, आई थिंक अब चलना चाहिए हमें अंदर। लुक एट दिस प्लेस, थोड़ा अडॉप्ट भी होते हैं ना टेम्परेचर। रात में बाहर आएंगे होपफुली, अगर बादल नहीं रहे, बादल नहीं रहे तो नाइट लैप्स, हाँ नाइट लैप्स फोटोग्राफी करेंगे। नाउ बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग हो रहा है ये, नाउ आई थिंक वी शुड गेट बैक। ये वो प्लेन है जहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग की प्रैक्टिस होती है, बट आई थिंक दे आर ओपन टू ऑल। मतलब कुछ गाइड्स बोल रहे हैं कि नहीं जा सकते, कुछ बोल रहे हैं जा सकते हैं, तो पता नहीं। और बहुत ही अच्छी स्नो है, स्नो सैंड जैसा हो गया, ये सैंड जैसा हो गया, ये शायद व्हीकल के मूवमेंट्स। और ये इधर इधर साइड में ये पाउडर है। सैंड जैसा ही है। सी यू गाइस, अभी अंदर जाते हैं, रात में देखते हैं कुछ फोटोग्राफी कर सकते हैं कि नहीं। रूम पे आ गए, रूम में थोड़ा गर्मी लग रही है,
गर्मी मतलब अच्छा लग रहा है. एंड दिस इज आवर रूम. वी आर स्टेइंग इन सन एंड स्नो. ओके द रूम इज ओके. दे हैव हीटर्स ऑल्सो, सेंट्रलाइज हीटर एंड बेड हीटर्स ऑल्सो. एंड आई विल शो यू द वॉशरूम. This is the washroom. It's okayish. And the location of hotel is also, I would say, good because if you are starting, if you want to do snowboarding or skiing, just right outside the hotel, we have the slopes. And nearby, we have the shops for ski and snowboarding rentals. So I think location-wise is also good, I think. So, but from a taxi stand, you have to walk. If you are walking, you have to walk a lot. And if you are hiring taxi, then you have to pay for it. So that's the thing. Otherwise, the location of hotel is good. So, abhi thoda garam hote hain, kuch khate peete hain, aur phir night lapse photography karenge. Time lapse, dekhte hain. Yes, so guys, abhi baj rahe hain raat ke 9. और टेम्परेचर है -6 degrees Celsius और हम जा रहे हैं बाहर. देख के आते हैं कि -6 हाउ इट फील्स लाइक. और अगर हम थोड़ी भी देर वहाँ खड़े हो पाए तो हम लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करेंगे थोड़ी सी. -6 डॉग्स आर आउटसाइड. Are you ready? So, इतना कुछ फील नहीं हो रहा ना -6. -6 है लेकिन इतना कुछ फील नहीं हो रहा है. तो मैं एक्चुअली 3-4 कैमरे लेके आए हैं, DSLR लेके आए, आईफोन लेके आए, Insta360 और GoPro लेके आए. एंड वील ट्राई ईच वन ऑफ देम कि लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स कौन सा कैमरा बेस्ट ले पाता है. मीनवाइल यू सी द ग्लिटर ऑन द स्नो, शिमरिंग. इसमें बहुत चमकती हुई दिख रही है स्नो, क्रिस्टल चमक रहा है बीच बीच में. तो एक्चुअली बहुत क्लाउडी है, बहुत ही कम तारे दिख रहे हैं. और एक्चुअली बहुत दूर जाना पड़ेगा कोई अच्छा फ्रेम बनाने के लिए. सो वी आर कैंसलिंग द प्लान ऑफ शूटिंग द लॉन्ग एक्सपोजर फोटोज़. फिर कभी किसी दूसरे दिन देखेंगे. एटलीस्ट स्काई साफ होता तो आप यहाँ से ही बना सकते. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट राइट नाउ, काफ़ी दूर जाना पड़ेगा. और अभी -6 degrees हो रहा है, हाथों में ठंड लगने लगी है. तो अभी हम अंदर ही जाते हैं वापस, चाय पीते हैं, कावा पीते हैं बेसिकली, और फिर सो जाएंगे. गुड नाइट.